हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019-20 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ उन कैंडिडेट की जिन्होंने लगाया था RTI कि सर मेरे को अपने मार्क्स चेक करना है, सर मेरे को कट ऑफ चेक करना है और यह चेक करना है कि आखिरकार हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें, आपकी जो RTI है वो सबमिट कर दी गई है, मैंने फर्स्ट लिस्ट अपलोड कर दी है, सेकेंड भी कर दी है और आज हम बात करने वाले हैं थर्ड मतलब की तीसरी लिस्ट की। आप इसमें अपना नाम देख सकते हैं और अपना एनरोलमेंट नंबर या यूं कहें कि रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। उसके माध्यम से आपको पता चलता रहेगा कि आपकी जो RTI है उसका अभी स्टेटस क्या चल रहा है, पेंडिंग में चल रही है, क्या रिप्लाई आ गया और सारा कुछ आपके ईमेल आईडी पर आएगा। और एक बार दोस्तों आप लोगों की जो साइड है वो 2009 मतलब कि 2009 से अभी तक अपडेट नहीं हुई। तो इसी वजह से फ्रेंड्स होता क्या है, आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, आप लोगों ने जो जानकारी दी है, उस जानकारी के मुताबिक आप लोगों का विलेज कभी कभी मैच नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, बट आप लोगों का जो ब्लॉक है, आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट है एंड इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों का जो पिन मतलब कि आपका जो पिन होता है पोस्ट ऑफिस वाला वो मैच कर जाता है, बस उतना ही इनाफ है। हालांकि दोस्तों आप लोगों को जो आना है वो ईमेल पर आना है, मतलब आपने जो ईमेल आईडी दी है, आपने जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है उसके थ्रू हर एक चीज आपके पास पहुंच जाएगी। आपका जो ईमेल आईडी पर रिप्लाई आएगा RTI का वो भी ईमेल आईडी पर ही आएगा रिप्लाई, आपके घर तो ऐसा है नहीं कि कोई लेटर जा रहा है। तो दोस्तों आप इस चीज की टेंशन ना लो। यदि आपका विलेज मिस भी हो जाता है, क्योंकि वहां पर ऑप्शन वो शो करता है, हम अपने से टाइप नहीं कर सकते कोई भी। जी हाँ दोस्तों, चाहे फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हो, आपका विलेज हो, आपकी सिटी हो, आपका पिन, सिर्फ पिन छोड़ के और आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका जेंडर छोड़ के सारे ऑप्शन वो दोस्तों वहीं से शो करता है ना। तो दोस्तों इसमें आप लोग टेंशन नहीं लेना। यदि आप लोगों का कोई मिस हो रहा है, मतलब कि यदि आपका विलेज वगैरह मिस हो रहा है, तो दोस्तों वहां पर जो ऑप्शन रहते हैं हमको उन्हीं को सिलेक्ट करना रहता है। यदि आपने जो विलेज इन्फॉर्मेशन में दिया है और वो आ नहीं रहा है, तो दोस्तों हमको प्रायोरिटी वहां पर जो ऑप्शन देते हैं उनमें ही देनी पड़ती है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन आपकी जीमेल आईडी ईमेल आईडी पर आएगी, तो आप इसकी टेंशन ना लें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जानते हैं वन बाय वन करके कि आखिरकार आप कौन कौन से नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन यदि आप भी चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मेरा RTI लगा दीजिए RTI लगा दीजिए, तो आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर एक लिंक होगी RTI रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दोस्तों आप वहां पे जाएंगे, पेमेंट कर देंगे, आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर के सबमिट कर देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो जाएगी, आपका RTI लगा दिया जाएगा। आप इसके ऊपर वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो कॉर्नर पे आ रहा होगा RTI कैसे लगाएं, बहुत सी वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ। वीडियो के लास्ट तक जाएंगे तो वहां पर भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे। आप नीचे जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर एक दो वीडियो आपको मिल जाएंगे RTI से रिलेटेड। चलिए देखते हैं फटाफट नाम कैसा क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे अगली स्लाइड में बात करते हैं। यहाँ पर नाम है किसका, राजीव कुमार तिवारी का। जी हाँ दोस्तों, आपका एप्लीकेशन नंबर जे है। और यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन में बता देता हूँ क्या क्या आपने पूछा। सर गिव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट माय नंबर्स वर रिसीव्ड इन माय बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019, मतलब कि मेरे नंबर कितने आए हैं इस एग्जाम में, जी बताइए बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित एग्जाम 2019-20 में। एंड इसके साथ साथ सर बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2019-20 हाउ मच इज द कैटेगरी वाइज कट ऑफ, प्लीज गिव मी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इस साल आपका जो कट ऑफ कितने का है वो बताइए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019-20 का। और इसके साथ साथ मैंने पूछा है सर गिव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाई माय सिलेक्शन वाज नॉट डन इन बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019-20, मतलब कि मेरा सिलेक्शन किस कारण बस नहीं हुआ मेरे को जी बताइए। यहाँ पर बोला गया हेयर इज माई इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर आपका जे है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जे है, किसका, राजीव कुमार तिवारी का। और दोस्तों आप लोगों को बता दें, आप लोगों का बाकायदा ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, हर एक चीज दी गई है और हर एक चीज आपकी RTI के रिप्लाई में आया है। बट यहाँ पर क्या है, एक गोपनीयता के चलते मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सिर्फ आप ही देखते वीडियो तो हाँ चलता, यहाँ पे सब लोग देखते हैं तो ना मैं आपकी ईमेल आईडी शेयर कर सकता हूँ, ना आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ना कुछ, है ना। आप देख पा रहे होंगे जो है आपका पेमेंट रिसीव। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका नाम धर्मेंद्र कुमार यादव। धर्मेंद्र कुमार जी, आपका एप्लीकेशन नंबर जे है BR20205457 8। ओके, आपका भी जो RTI है वो फिलअप कर दिया गया है
और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, मतलब अब आपको जो कुछ आना है सारा का सारा आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। और यदि नहीं आता तो आप सेकंड अपील थर्ड अपील भी कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लीजिएगा या फिर आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट के रूप में सेव कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका जो रिसीव दिया गया है धर्मेंद्र कुमार यादव जी का, आप देख सकते हैं अगला नाम निकल के आता है मुरारी कुमार। मुरारी कुमार जी आपका एप्लीकेशन नंबर आप यहां पे देख सकते हैं क्या है, BR20205475। आपका भी यहां पर जो RTI है वो एक्सेप्ट हो गया है और आपका हर एक डिटेल्स मैंने भर दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर आपका ये है क्या, आपका जो पेमेंट सक्सेसफुली वो वाला रिसीव है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या नाम निकल के आता है, टिंकू कुमार जी। टिंकू जी आपका जो रजिस्ट्रेशन है मतलब कि आपका जो RTI है वो अप्लाई कर दिया गया है, एक्सेप्ट हो गया है। आपका एप्लीकेशन नंबर है BR20205475। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें आपकी भी डिटेल्स बाकायदा भरी गई है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस A to Z। अब आपको जो कुछ भी आएगा आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, आप इसके माध्यम से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है, टिंकू जी आपका जी पेमेंट रिसीव है। ओके नेक्स्ट है क्या, आप नाम निकल के आता है ऋतुराज। ऋतुराज शायद हो गया है बट फिर भी देख लें, आपका यहाँ पर BR20205475 जो आपका नंबर है एप्लीकेशन नंबर, आप इसको डालेंगे तो आपको हर एक चीज पता चल जाएगी। आप देख सकते हैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका हर एक चीज इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चूंकि यहाँ पर क्या है किसी किसी पर्सन का विलेज वहां पे ऑप्शन में शो नहीं होता, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जो साइट है 2009 से अभी तक अपडेट नहीं हुई है, इसका रीजन जो रहा, इसके रीजन में आपके जो गांव विलेज हैं वो सारे के सारे अपडेट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों आपकी जो ऑप्शन शो होते हैं, आपका मेन चीज क्या रहता है, आपका ब्लॉक, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन, ये तीनों वहां पर बाकायदा आते हैं, ऑप्शन अच्छे से मैच कर जाते हैं आपके इन्फॉर्मेशन से। इसके बाद प्रॉब्लम जाती है एक चीज में आपके विलेज सिटी में, तो दोस्तों विलेज सिटी में वही ऑप्शन देता है, हमको उन्हीं में से चूज करना रहता है। आपके ऑप्शन यदि मैच खाते हैं तो कर देते हैं, वरना प्रायोरिटी के अनुसार कर दिया जाता है। ओके तो आप इसकी टेंशन ना लें, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी से मतलब है, उनको आपकी ईमेल आईडी पर रिप्लाई आएगा, आप इसकी टेंशन ना लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट आपके यहाँ पर यही है रिसीव है आपका, आप देख सकते हैं ऋतुराज जी का। यहाँ पर नेक्स्ट निकल के आता है सुधांशु कुमार जी। हाँ दोस्तों आपका भी देख सकते हैं सुधांशु जी, आपका जो है एप्लीकेशन नंबर BR20205456। आपका भी RTI सबमिट हो गया है, आपका भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। आपका जो यहाँ पर जो रिसीव है आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट निकल के आता है नाम मनोज कुमार जी। हाँ दोस्तों मनोज कुमार जी आपका भी जो RTI है वो सबमिट हो गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर BR20205456। ओके आपका भी बाकायदा अच्छे से एक्सेप्ट हो गया है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपकी आपकी ईमेल आईडी पर आएगी जो आपने दी थी। ओके मनोज JK804 ऐसे कुछ करके है, ज्यादा नहीं बता सकता। ओके चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। आपका रिसीव है दोस्तों ये पेमेंट का जो कि प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से नेक्स्ट नाम निकल के आता है अरविंद कुमार शर्मा जी। अरविंद जी आपका भी RTI सबमिट हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है BR20205456। जी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपकी जो ईमेल आईडी है उसके कुछ वर्ड हैं अरविंद कुमार और ऐसे करके लास्ट में आपका बीच में है मेन में 503। ओके आपका कॉन्टेक्ट नंबर 95 से स्टार्ट होता है और 21 पे एंड होता है। ओके इसलिए मैं आपकी ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। आपका जो है पेमेंट रिसीव, इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नाम निकल के आता है किसका, संतोष कुमार जी का। संतोष जी आपका भी RTI है जो सबमिट हो गया है, आपकी बाकायदा RTI लग गई है, एक्सेप्ट हो गई है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं BR20205458। ओके और यदि आपकी डिटेल्स की जानना चाहें तो आपका स्टार्ट होता है ईमेल आईडी SK SONA, फिर यहाँ पे 20 है। ओके इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट आपका बता दें कॉन्टेक्ट नंबर 93 से स्टार्ट होता है और 70 पे एंड होता है, इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो पेमेंट रिसीप्ट है वो है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अजीत कुमार जी का नाम निकल के आता है। अजीत कुमार जी आपका भी जो
आरटीआई है वो सबमिट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर है BR20205452। ओके, इसी प्रकार से आपका अजीत कुमार से स्टार्ट होता है ईमेल आईडी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर स्टार्टिंग वर्ड है 73 और लास्ट है 44, यह आपका गया है। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पर्सन का। तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट का रिसीप है आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से दीन दयाल करके दोस्तों ऐसे करीबन 5 से 4 नाम है जो दीन दयाल करके रिस्पांस में आए हैं। एक तो दीन दयाल जी खुद हैं और 4 और कॉन्टेक्ट नंबर है जो आपकी डिटेल्स है उसके अनुसार आए हैं। अब आप लोगों का यहाँ पर जो ईमेल रहेगा वो आपको प्राप्त होगा, चूंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बता सकता, लेकिन फ्रेंड्स आपको नाम मैं बता रहा हूँ जो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका दीन दयाल मंडल करके रिस्पांस में हमको मिला है। ओके, आपके यहाँ पर लेकिन आप पेमेंट जो देख सकते हैं रेफरेंस जी चेंज होता रहेगा, बट नाम ही एक ही आया है। कभी कभी ऐसा साइड में देता है, कोई कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता, क्या करता है ये नहीं पता। इसी प्रकार से आप फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके जो दयामय मंडल है इनका जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, एंड इसके साथ साथ उमा शंकर कुमार, यहाँ पर सनी कुमार सिंह, हालांकि ऋतुराज का हुआ है, एंड इसके साथ साथ आकाश कुमार, और यहाँ पर जे 3-4 कैंडिडेट हैं जिनका रिस्पांस हमको दयामय मंडल नाम से ही एक्सेप्ट हुआ है फॉर्म सबमिट होने के बाद। अब आप इनका पेमेंट रेफरेंस देख सकते हैं, अलग अलग है तो आपको मेल आएगा बाकायदा, बट आपका जो अभी प्रेजेंट टाइम में है एप्लीकेशन नंबर वो नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आप अपनी ईमेल आईडी पर देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिएगा आपकी जो पेमेंट रेफरेंस नंबर है वो अलग अलग आएगा, बट नेम एक ही आएंगे, जैसे कि अभी मैंने जो कैंडिडेट गिनाए हैं उन सभी के हैं। आप फर्स्ट देखिए 78 है लास्ट, फिर आप जे देखिए 76 है लास्ट, एंड इसके बाद एक और रेफरेंस देखिए तीसरा जे है 74 है लास्ट, दयामय मंडल करके, इसके बाद और आएगा शायद एक और है जे 73, एंड इसके साथ साथ एक और है जे है आपका 68। तो दोस्तों आपके जो पेमेंट रेफरेंस अलग अलग हैं, लेकिन आप लोगों के फॉर्म है चारों पांचों के सबमिट हो चुके हैं, आपको बाकायदा ईमेल आईडी पर आप लोगों का रिप्लाई आएगा आईटीआई का। आप दोस्तों ये तो थे वो कैंडिडेट जो मैंने अभी नाम बताए हैं, इसके बाद एक और लिस्ट आएगी, जल्द से जल्द मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ आप सभी के नाम। और यदि आप भी चाहते हैं कि सर मेरा भी कर दीजिए, तो फ्रेंड्स आप वेट करिए। आपको करना होगा क्या, आपको जाना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आईटीआई लगा सकते हैं और जान सकते हैं हर वो चीज जो कि आप अपने एग्जाम से रिलेटेड पूछना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको करना होगा क्या, आपको जाना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करना होगा। पेमेंट करने के बाद इन्फॉर्मेशन के लिए विंडो खुलेगी, आप इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसकी आप टेंशन ना लीजिएगा। और हमारा एक और चैनल है क्या दोस्तों, स्टडी हेल्प, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर भी मैं वीडियो डालने वाला हूं आपकी क्वेरी से रिलेटेड। और जल्दी आप लोगों की बिहार एसआई की क्या तैयारी स्टार्ट हो रही है इस चैनल पर, और बिहार कांस्टेबल की, तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों की हिंदी की क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।